नालसा के अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक करने तथा वंचित लोगों को उनके कानूनी अधिकारी की जानकारी देने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है ताकि वे समाज के गरीब और वंचित वर्ग को उनके कानूनी अधिकार की जानकारी दे सकें। इस बात की जानकारी देते हुए अतिरिक्त दंड अधिकारी सिद्धार्थ सरपाल ने बताया कि नालसा के आदेशों के अनुसार सभी गांव और पंचायतों तक कानून का संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में अभी तक 63% गांवों और पंचायतों को इसमें कवर किया गया है तथा बचे हुए क्षेत्रों को 30 अक्टूबर तक कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके जरिए समाज को संदेश दिया जा रहा है कि वे अकेले नहीं हैं तथा आपके विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा उनके साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, पीड़ित मुआवजा अधिकार तथा मध्यस्थता व लोक अदालत के अधिकारों के बारे में इन कैंपों के माध्यम से सभी को जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। देखिए, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें हम हर एक गांव, हर एक पंचायत में कानून का संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने 63% पंचायतें और गांव कवर कर दिए हैं हमीरपुर के। जो रिमेनिंग बचे हैं उसे हम 30 अक्टूबर तक कवर करने की अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे। इसमें हम हर एक गांव और हर एक पंचायत में जाकर ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी कानून से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हमीरपुर आपकी सहायता के लिए हमेशा खड़ी है। जो पहला स्टेज है हमारा, उस पर यह फोकस किया जा रहा है कि हम लोगों को बता रहे हैं कि मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का अधिकार और मीडिएशन और लोक अदालत का अधिकार।